नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बैंकों को लेकर। बैंकों के नियम में हो रहे हैं बदलाव, हो जाइए आप सावधान। 1 अप्रैल 2021 से 7 ऐसे बैंकों के चेक बुक जो है वो अमान्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि जिन बैंकों के चेक बुक अमान्य होंगे उन बैंकों का दूसरे बैंक में विलय हो चुका है। इसलिए अगर आपके पास उन बैंकों का चेक बुक है तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको अपने बैंक के संपर्क करने की जरूरत है। अगर आपका बैंक 7 बैंक में से किसी में भी एक में भी अगर खाता है तो आप फटाफट आपको अपने नए चेकबुक और उसमें दर्ज IFSC कोड के बारे में पता कर लेना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि किन किन बैंकों का चेकबुक 1 अप्रैल 2021 से मान्य नहीं रहेगा। उन बैंकों की लिस्ट में शामिल है देना बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक। इसके साथ ही बैंक की तरफ से यह भी बताया गया है कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। ये मर्जर 1 अप्रैल 2019 से लागू है। 1 अप्रैल से इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक बुक और पासबुक ही चलेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्जर हो चुका है। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ऐलान कर चुका है कि इसमें विलय हुए दोनों बैंकों के चेकबुक 31 मार्च 2021 तक ही मान्य रहेंगे। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के खाताधारक अब बैंकों के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने नए IFSC कोड जान सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको अमलगेशन सेंटर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप IFSC कोड को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना नया IFSC कोड जान सकेंगे। बैंक के कस्टमर केयर नंबर भी जारी किया है, वह नंबर है 1-800-208-2244 या फिर दूसरा नंबर भी है 1-800-425-1515। उसके बाद एक और नंबर है 1-800-425-3555 पर आप फोन कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त करते हैं, या फिर आप SMS के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको IFSC कोड, उसके बाद फिर स्पेस डालना होगा, उसके बाद फिर OLD IFSC स्पेस लिख कर 9223008486 पर मैसेज भेजना होगा। हालांकि कैनरा बैंक में विलय के वास्ते सिंडिकेट बैंक ने चेकबुक की मान्यता की जो अवधि है वह 30 जून 2021 तक रखी गई है। इसके अलावा अगर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के विलय जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है, 1 अप्रैल से नए नियम इन सभी बैंकों के साथ लागू होंगे। विलय की वजह से खाता धारकों का IFSC कोड, MICR कोड, ब्रांच पता भी बदल जाएगा। इन बैंकों के ग्राहकों को अब नई बैंक की चेकबुक भी मिलेगी। इन बैंकों के सॉफ्टवेयर एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आए गए हैं, इसलिए अब सभी शाखाओं को एक नई बैंक के चेकबुक और पासबुक ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। 31 मार्च तक में कुछ और बदलाव होने हैं, वो हम आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से जो है वो बदलाव होने हैं। उनमें जो बदलाव होने उनमें है मूल वेतन के साथ बढ़ सकता है CTC। न्यू वेज कोड या यदि 1 अप्रैल से लागू होता है तो मजदूरी कुल मजदूरी का कम से कम 50% होगी। इसका मतलब है कि मूल वेतन यानी कि सरकारी नौकरियों में जो मूल वेतन की महंगाई भत्ता है जो अप्रैल के कुल वेतन का 50% से अधिक होना चाहिए। आज ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन जो है लगभग 35% से 45% तक है। यह इसके लिए एक बदलाव होगा। नए नियम लागू होने पर आपको मूल वेतन के साथ साथ आपकी CTC भी बढ़ सकता है। वेतन घटेगा और PF बढ़ेगा, यानी कि 31 मार्च के बाद से आपके ये नियम भी लागू होंगे जिसमें वेतन घटेगा और PF बढ़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन यानी कि कुल वेतन का 50% या अधिक होगा या अधिक होना चाहिए। मूल वेतन बढ़ने से PF बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम यानी आपके हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी। वर्तमान में आपके मूल वेतन का 12% अब PF में चला जाता है। जब मूल वेतन CTC का 50% हो जाता है तो PF में योगदान भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर 40,000 रुपये मासिक CTC वाले व्यक्ति के लिए 20,000 रुपये मूल वेतन होगा और 2,400 रुपये PF के रूप में उनसे काट लिए जाएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।